बैकग्राउंड को पहले पिक्चर आर्ट पर शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस पहले आपको जाना है ऐड फोटो पर। तो गाइस मैं फ़ोटो को पहले ही रिमूव कर चुका हूँ। अगर आपको रिमूव करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उधर से आप और एक वीडियो देख लेना फ़ोटो को कैसे रिमूव होता है। तो गाइस मैं रिमूव कर लिया तो फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको अच्छी तरह से कर लूँगा। तो इरेजर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको जूम कर लेना है, जूम कर लेने के बाद आपको ऐसे रिमूव कर देना है। थोड़ा बहुत बाकी है, उसको सही कर लेता हूँ। थोड़ा हार्डनेस की वजह से बढ़ा लूँगा। तो गाइस मैं डन कर देता हूँ। तो मैं सही से नहीं किया, आप सही से कर लेना धीरे धीरे। तो इसको सेट कर देता हूँ। तो आपको ऐसे ही सेट करना है। तो फोटो और एक फोटो ऐड कर लूँगा। तो गाइस ये सब पीएनजी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर लेना। तो आपको ऐसे सेट कर लेना है। तो हो गया, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो गाइस ये भी हो गया, और एक ऐड कर लूंगा पीएनजी। तो गाइस ये शेडो है, पीएनजी शेडो, तो आपको ये भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस ये भी हो गया, अभी कर देंगे डन। नहीं गाइस और एक ऐड करूँगा, फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है। फिर से आपको ए पी एन जी लेना है, लेने के बाद इसको कर देना है आपको बैलेंस। तो बैलेंस, तो बैलेंस पर जाने के बाद आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करने देने के बाद आप देख सकते हो इसको थोड़ा उल्टा कर देना है, थोड़ा लंबा कर लूँगा। तो गाइस आपको ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर से और एक फ़ोटो ऐड करेंगे। तो गाइस इसको भी आपको बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस स्क्रीन, तो गाइस बैलेंस हो गया। तो आपको इस जगह सेट करना है, इस जगह सेट करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो आपको फिर से इस साइड सेट करूँगा, फिर से आपको कॉपी कर लेना है। तो थोड़ा छोटा करना होगा, छोटा करने के बाद आपको इस सेट सेट करना है। तो गाइस हो गया, आपको फिर से ऐड फोटो पर जाना है। जाने के तो गाइस स्नैपफोल को ऐड कर लेना है, तो इसको भी बैलेंस कर दूंगा। बैलेंस पर जाने के बाद स्कैन, तो स्नैपफोल को सेट कर देता हूँ। तो गाइस हो गया, अभी कर देता हूँ डन। तो गाइस डन हो गया, अभी आपको ड्रॉ में जाना है। जाने के बाद थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको सेव कर लेना है। तो गाइस हो गया बहुत सिंपल तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, और गाइस अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं और एक वीडियो में।